मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14th, 15th एंड द लास्ट वन 16th। हियर इन 14th क्वेश्चन शब्दास आर देयर। Shabdas already you know how to write Rama, Vana, okay? From 3 you have to write attempt 2, 2 4s are 8 marks, okay? आपको वो कैसे लिखना है वो तो पता है, और हमने ये सब मेरा previous session में शब्दों का कैसे करना है फिर दोबारा मैं बता दिया, meanings भी बता दिया, एक बार वो देख लीजिए, ठीक है? और practice ज़रूर करना। ये शब्दों का ये कमाल है कि ये बहुत आसान है। फर्स्ट ईयर से अगर कंपेयर करके हम देखेंगे तो ये वाला शब्द बहुत सीनियर वाला बहुत आसान है। उसमें एक ही पुंलिंग का शब्द रामा एक जैसे लिखना पड़ता है, कवि एक जैसे लिखना पड़ता था, भानु एक जैसे लिखना पड़ता था, तीनों का फॉर्मेट अलग है एक ही पुंलिंग का। और स्त्रीलिंग का तो अलग ही है और नपुंसकलिंग का भी वो अलग है, लेकिन सेकंड ईयर में चाहे पुंलिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो या उसमें फॉर्मेट एक ही जैसा रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, वो छोटी मोटी बात को ध्यान में रखना चाहिए। तब क्या है, आप आराम से अगर एक शब्द आपने अगर पकड़ लिया मजबूत तो आप उसके पीछे पीछे आप आराम से 4 या 5 शब्द अपना आइडिया से लिख सकते हैं। लेकिन अपना आइडिया से लिखना फर्स्ट ईयर में वो नाम मुमकिन नहीं था, वो उधर आइडिया नहीं चलता है, सीधा जो शब्द है उसको बायहट करना ही पड़ता था, रट्टा मारना ही पड़ता था, उस तो उधर अपना आइडिया नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे आपका आइडिया चलता है, ये जो सेकंड ईयर का ये बहुत खास बात है। आप शब्दों को देख के आप डरना नहीं, जैसे फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत डरे होंगे वो तो नॉर्मल है, हर जो लर्नर के लिए वो तो शब्द थोड़ा भयंकर भयानक वो लगता है, लेकिन सेकंड ईयर में इतना भयंकर भयानक नहीं है, डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आराम से वणिक शब्द अगर लिख दिया तो वणिक को देख के त्वक शब्द आप आराम से लिख सकते हो, उस आइडिया से चलता है इधर काम। आप ऐसा आप अपने जो मटेरियल है, कृपया मैं बार बार बोलता हूँ, मटेरियल साथ में रख के आप इनका प्रैक्टिस करना, ठीक है? इसको फिर इधर ऑलरेडी एक बार मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया, इधर फिर दोबारा देने का कोई इतना ज़रूरी नहीं है। सो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ इधर, और उसके बाद नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस आप अपना आप करते रहो ना, ठीक है? जब तक खाना अपने आप नहीं खाओगे आपका पेट नहीं भरेगा। अगर मैं जब भी घर ऐसा कहो ऐसा करके अगर मैं खाता रहूँगा आपका भूख कैसे मिटेगा, ऐसा नहीं होना। जब तो मैं जितना भी मैं इधर लिखवाऊँ, जितना भी मैं इधर आपको एक्सप्लेन करूँ, चाहे जितना भी मैं इतना प्रयास करूं, जब तक आप इंटरेस्ट से अगर आप किताब सामने रख के अगर जब तक आप अपना हाथों से लिख के अपना मुंह से अगर आप इसको प्रोनाउंस नहीं करते तो आपको बिल्कुल नहीं आता है, आने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया आप लगे रहना। ये जो सेशंस का जो वीडियोस है उसको आप रिवर्स करके भी देख सकते हो, और उसके बाद आप उसको सीख लीजिए कृपया। और अभी नेक्स्ट इसका जो समास का जाते हैं, जो फर्स्ट ईयर में इनके जगह हमको धातु थे, भवती भवता भवन्ति थे, उसमें हमको 6 मार्क्स के लिए 2-2 टेबल लगाना पड़ता था, ठीक है? और 5 लकारास इंटू 10 धातवास 10 वर्ब्स, टोटल 50 टेबल्स हमको बनाना पड़ा था। इधर इतना काम नहीं है, वर्क नहीं है, सिर्फ 6 समास का है, एक एक में या 3-3, 4-4 है, और जो 2 बड़े समास है कर्मधार षष्ठी उसमें थोड़े वर्ड्स ज़्यादा है। टोटल मिला के 20 या 25 शब्दों का अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 6 मार्क्स आराम से आ जाता है। आपको 6 देंगे एग्जामिनेशन पेपर में, यू हैव टू आंसर ओनली फॉर 3 दरसा, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 दरसा, each 2 marks gives us and 3 to 6 marks, ठीक है? सिर्फ 3 लाइन में आपका
सिक्स मार्क्स मिल रहे हैं। वही फर्स्ट ईयर में कितना हमने पसीना बहाए थे वो फर्स्ट ईयर का छोड़ दीजिए, अभी इसमें दिल ध्यान दिमाग सब कुछ लगा के श्रद्धा से प्रैक्टिस कीजिए। अभी इधर मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, ऑलरेडी समास का भी पूरा कंप्लीट मैंने शुरू किया था, लेकिन अभी हम फिर विस्तार से फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको विस्तार से सीख लेंगे। जो फर्स्ट वाला है अधर्म, अधर्म न धर्म अधर्म, जो नहीं है जो बोलते हैं ना खानी दी लेनी दी, जो नहीं होता है जो नहीं रहता उसको नन तत्पुरुष नेगेटिव तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे अधर्म अन्याय अनैतिकता असत्यम, ये सब नन तत्पुरुष समास का है। नेक्स्ट घनश्याम, घन इव श्याम, घन मीन्स बादल, श्याम मीन्स ब्लैक। वो कैसे ब्लैक है, जैसे बादल का जैसे कालापन होता है वैसा ब्लैक कलर है। यह है कर्मधारय समास है, ठीक है। इसमें कर्मधार में क्या है, मैक्सिमम एडजेक्टिव्स इधर लीड रोल लेती है, ठीक है। घनश्याम, घन इवा, इवा मीन्स वले लाइक, श्याम श्याम कैसा है, घन इवा लाइक क्लाउड। और भोज्योष्णम ये भी कर्मधारय समास है, उसमें दोनों एडजेक्टिव्स है, भोज्यम च तत् उष्णम च। भोज्यम मीन्स उसको हम खा सकते हैं, इज अ ईटेबल, केवल एडिबल बोलते हैं ना, और उष्णम च ऑलरेडी इज अ हॉट आल्सो, सो दोनों एडजेक्टिव्स है उसमें। भोज्योष्णम मीन्स कर्मधारय समास है। और पितरव यह द्वंद्व समास है, जो माता च पिता च, माता और पिता बोलते हैं तलिदंडलु वही है, उसको पितरव। और माता पितरव उनका भी यही विग्रह वाक्य है, आप ये समझ लीजिए यह है समास पदम, यह है विग्रह वाक्यम, ठीक है। और ये समास नामम, मूड कैटगरी उठे एपड़ना इवे एग्जाम्ल वीटी रायासी समास पदम इस्ता क्वेश्चन पेपर लो अभी कंपलसरी रायासी अभी रासन तरवाने इवी रायकंड इवी राय वील्ले అవి సమాసాలైనా సంధులైనా కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ మస్ట్ బి రిటర్న్ ఆన్ ఆన్సర్ షీట్. సో ఇక్కడ పితరవ్ మాతాచ పితాచ, మాతా పితరవ్ తబ్బి మాతాచ పితాచ, ఓన్లీ పితరవ్ తబ్బి మాతాచ పితాచ, ఠీకే. ఏ ద్వంద్వ సమాస హై. పంచవటి, పంచానాం వటానాం సమాహార, వటి మీన్స్ वो पार्क है, पार्क ऑफ ट्रीज, पंचवटी मीन्स जैसे वटवृक्षम बोलते हैं, बनियन ट्री नाट बनाना बनियन, जैसे मर्री वृक्षम अटा कदा मर्री वृक्षा वटी वटवृक्षम अटा. सो ऐदु मर्री चेट्ल यొక్క समूहम आ मध्यलो उन्न प्लेस नी पंचवटी अंटारु. पंचाना अंटे ऐदु, वटानाम अंटे वटवृक्षमुल यొక్క समाहारः कांबिनेशन दट्स आर आ एरियानी पंचवटी अंटारु. అదేంటి ద్విగు సమాస. ద్విగు సమాసంలో ఎప్పుడు నెంబర్స్ లీడ్ రోల్ తీసుకుంటాయి, నెంబర్స్ ఎప్పుడు సంఖ్య లీడ్ రోల్స్ తీసుకుంటాయి ఎప్పుడైనా. నెక్స్ట్ చోర భయం, చోరాత్ భయం పంచమీ తత్పురుష సమాసం. రామ ఉంది కదా, రామశబ్దం రామ రామం రామేణ రామాయ రామాత్ పంచమీ తత్పురుష సమాసం. వలన నుండి దొంగ వలన భయం, దొంగల నుండి భయం. సో ఇదేంటది పంచమీ తత్పురుష, పంచమీ విభక్తి బేస్ చేసుకుని పంచమీ తత్పురుష సమాసం ఉంటుంది, అర్థమైంది కదా. ఏహే సమాసాలు. సో మీరు వాడు మూడే రాయమన్నాడు కదా అని చెప్పి మూడే రాసి కూర్చోకండి, అన్నిటికన్నీ రాయాల్సింది, ఎక్స్ట్రాస్ కూడా రాయాల్సింది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 615. ఇందులో అధో రేఖాంకిత పదాన్ని శుద్ధీకృత్య వాక్యాన్ని లిఖత. మీన్స్ క్యా హే, అధో మీన్స్ బిలో, రేఖాంకిత పదాన్ని జో అండర్లైన్, రేఖా మీన్స్ జో అండర్లైన్ క్యా హే, ఏ జో వర్డ్ హే, మై ఇద్దరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ లిఖ చుకా హూ, ఆప్ సిర్ఫ్ క్వశ్చన్స్ దేఖిజియే, జహాన్ రెడ్ లైన్ హే ఇస్కో, రేఖాంకిత పదాన్ని ఇస్ వర్డ్స్ కో శుద్ధీకృత్య, उसको करेक्ट करके अगेन लिखो.
अगेन फिर लिखना है। तो इसमें क्या है खराबी, तो ये सोच लीजिए, ये सेंटेंस में करेक्शन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, वही है इधर वाक्य शुद्धिकरण। कवि ही काव्य लिखता, दिस इज द सेंटेंस, इसमें कवि ही करके उसने अंडरलाइन किया, तो इसका मतलब इसी को चेंज करना है, इसको सही करना है। ये गलत क्यों है तो हम इधर जाएंगे, जैसे हमारा शब्द है ना डिक्लेंशंस, जैसे राम 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 हमने सीख लिया, जैसे वणिक वणिजो वणिजहा, उस डिक्लेंशन में जाएंगे, उसमें कवि का क्या है, एक वचन में कवि ही कवि कवय है ना, एक पोएट एक राइटर दो राइटर्स मेनी राइटर्स, तो इसमें क्या है लिखत तहा बोल दिया उसने। जो वर्ब में जाएंगे हम, वर्ब में कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, ये वर्ड कहाँ मिलता है आपको, लिखतहा प्रेजेंट टेंस में मिलता है, क्या है लिखती लिखतहा लिखंती हमने सीख लिया। सो जो लिखतहा लिख दिया ना इधर लिखता है, तो इसी द्विवचन में ये कवि होना चाहिए, नॉट कवि ही, समझ में आ गया ना। यहां जो वर्ब जिस पुरुष में जिस पर्सन में जिस वचन में नंबर में होता है, उसी पुरुष उसी वचन में सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिस वचन में जिस पुरुषा में, प्रथम पुरुषा मध्यम पुरुषा सीख लिया ना, जिस पुरुषा में और एक वचन द्विवचन बहुवचन सीख लिया हमने, और जिस वचन में जिस पुरुष में जो वर्ब रहता है उसी वचन में उसी पुरुष में सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, राइट। सो यहां पे लिखता, लिखता कहाँ है, द्विवचन में है, सो द्विवचन में क्या आना चाहिए, कवि, सो इसलिए हमने इसको ठीक कर दिया, ये खराब था इसको ठीक कर दिया, फिर कवि लिख दिया, फिर पूरा ऐसा लिखने से आपको यू विल गेट वन मार्क्स। तो अभी क्या है, कवि काव्य लिखता, जो दो पोएट ने दो बुक्स को काव्य को लिख रहे हैं बस, यह है इसका मीनिंग। उसी जैसे गौ वत्सान पश्यंती, पश्यंती क्या है, बहुवचनम है, इधर देख लीजिए बाप, पश्यंती कहाँ है, बहुवचन में है। सो गौ क्या है, एक वचन है, तो एक वचन का ये नहीं चलता है ना, सो इसका जो प्लूरल क्या है, गौ गाव गावहा, सो ये प्लूरल नंबर में है, सो इधर क्या है, पश्यंती का जो प्लूरल गावहा आ गया, ठीक है, सो गौ का गावहा आंसर है, क्योंकि इधर देख लेना, इधर पश्यंती बहुवचन में है, सो इसके ऊपर वाला आना चाहिए, ना कि इधर वाला, और यहां भी ऐसा है, लिखता है इधर है, इसका ऊपर वाला आना चाहिए, ना कि इधर वाला, इसी को करेक्ट करना है बस, इसी का नाम वाक्य शुद्धिकरण। और नेक्स्ट, मधुनी रोगनाशकम भवती, भवती किसमें है, भवती भवतः भवंती, यह है एक वचनम में है, ठीक है, तो एक वचन में क्या होना चाहिए, मधु होना चाहिए, लेकिन इधर दिया क्या है, मधुनी, ये प्लूरल का दे दिया, वो तो गलत है, इसलिए इसको हम ठीक करना है, ठीक कैसे करेंगे, मधुनी निकाल के मधु लिखेंगे, ठीक है, तब ये करेक्ट हो गया सेंटेंस, फिर तब क्या बन गया, ये मधु रोगनाशकम भवती, ठीक है, मतलब मधु क्या है, हानि क्या है, वो रोग को नाश कर देती है बस। और जो फोर नंबर फोर्थ है, यूयम विदूषकम परिहससी, परिहससी ये क्या है, कहाँ पे होना चाहिए, ये जैसे एक वचन में होना चाहिए, ठीक है, सी थहा था हमने सीख लिया, भवसी भवतः भवता आम सीख लिया, ती तहा अंति सी तहा था, तो सी कहाँ आना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए, जो परिहससी इसका हम फॉर्म लिख दिया, तो परिहससी परिहसता परिहसंती है ना, परिहसता परिहसता, ठीक है, तो इधर हमने सी आ गया, तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, त्वम आना चाहिए, लेकिन इधर क्या दिया, यूएम लिख दिया इसे, एक्चुअली वेर इधर इधर है, इसके ऊपर वाला आना चाहिए, लेकिन इधर क्या आ गया, इसके जगह पे ये आ गया, तो ये गलत है, इसको भी ठीक करना है, ठीक कैसे करेंगे, इसी के ऊपर वाला हम ले लेंगे, एक वचन में ये है इसलिए एक वचन का लेंगे, क्या हुआ, त्वम विदूषकम परिहससी,
मीन्स वो जो स्कॉलर से तो मजाक कर रहा है ऐसा करके, ये इसका सेंटेंस का मीनिंग है। और जो लास्ट वाला है ते दुग्धम पिबती, दुग्धम मीन्स दूध, ठीक है। पिबती क्या है, एक वचन है, पिबती पिबतः पिबंती। तो ते कौन सा है, ये तो प्लूरल नंबर है, ठीक है। पुंलिंग में प्लूरल में आता है, स्त्रीलिंग में ड्यूअल में भी आता है, इसमें कोई वो जान जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम प्लूरल में ले लेंगे। सो एक प्लूरल में है। इसका जो सिंगुलर नंबर क्या है, सहा, प्रोनाउन सहा तौ ते, ठीक है। तो इधर क्या है, पिबती सिंगुलर नंबर में है, तो इसका ऊपर वाला सिंगुलर नंबर आना चाहिए, ते की जगह सहा आना चाहिए। इधर किसने लिख दिया, पिबती सिंगुलर में, इसने प्लूरल डाल दिया, वो गलत है ना, इसलिए इसको हटा के हमने सहा डाल दिया। सो सही वर्ड क्या है, सहा दुग्धम पिबती। ये है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। ऐसा और 15 सेंटेंस है, उनको हम धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये जो शब्दों का पक्का आप उस पर ध्यान देना, और उसको बहुत डेली आप संस्कृत किताब कम से कम एक घंटा पढ़ना ही है आज से। जैसे जैसे मैं ये वीडियो दिख रहा है ना, अभी से आपको एक एक घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल उसको उनको लिए नहीं है जो डेली इसको पढ़ लेते हैं, डेली इसके साथ टच में रहते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। और मुश्किल उनके लिए है जो इनको बिल्कुल बहुत ईजी सब्जेक्ट समझ के इसको जो नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, उनके लिए ये तो बिल्कुल खतरनाक से खतरनाक बन जा सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इसको ज़्यादा नेग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, और डरना भी नहीं है इससे, बड़ा प्यार से अपना समझकर, ये अपना भाषा समझकर आप लोग पढ़ लीजिए। डेली एक एक घंटा मिनिमम आप संस्कृत किताब को ओपन कर दीजिए, वो जो हमारा प्रीवियस सेशंस का थोड़ा देख लीजिए, उसमें क्या है क्या नहीं है थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब हमारा ऑफलाइन क्लासेस शुरू होता है तब हम और भी अच्छे तरीके से ढंग से हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही है। जय हिंद, शुभम भूयात।